हे गाइस वेलकम बैक। मोटो वन फ्यूजन प्लस वर्सेस पोको एक्स टू का हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों भी फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है, तो एक फ़ोन में आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, तो पोको एक्स टू में आपको मी यूआई देखने को मिलता है। तो देखने वाली बात रहेगी कौन सा फ़ोन यार सबसे ज़्यादा स्पीडली है। तो यहाँ पर मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ दोनों भी फ़ोन को, और उसके साथ पोको एक्स टू में जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 60 FPS सेट कर देता हूं, और उसके साथ दोनों भी फोन के जो इंटरनल स्टोरेज है वो पूरे खाली है। तो यार यहाँ पे मतलब स्पीड टेस्ट काफी कमाल का होने वाला है। उसके साथ रिसेंट में जो भी एप्लीकेशन थे यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूं, और सबसे पहला टेस्ट कर लेते हैं बूटिंग का। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फोन यहाँ पे बूट हो जाता है। सो गाइज वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना। सो 1 2 और गो। उसके साथ यहाँ पे रिबूटिंग मतलब स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि स्टॉक एंड्रॉयड ही विन होगा, मतलब मोटो का ही सबसे पहले बूट हो जाएगा मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सो यहाँ पे दोनों भी फ़ोन के जो ऑफिशियल लोगो है अपने अपने कंपनीज के आ चुके हैं, और यहाँ पे मोटो, मुझे लगता है मोटो ही है। यस गाइज मोटो यहाँ पे रिबूटिंग टेस्ट में विन हो चुका है, तो सबसे पहले मोटो बूट हो गया। उसके साथ दोनों भी फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं मोटो में बैक साइड में, तो पोको में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है। तो स्पीड देख लेते हैं, पूरा स्क्रीन ऑफ करके यहाँ पे मुझे पोको ही फास्ट देखने को मिल गया। यस गाइज पोको ही फास्ट है, मतलब एनिमेशन की वजह से यहाँ पे मोटो थोड़ा सा लो आपको मतलब फिंगर प्रिंट का स्पीड दे पाता है, पर यहाँ पे पोको थोड़ा सा फास्ट है। पूरा स्क्रीन ऑफ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 2 गो, तो पोको फास्ट ओपन करता है। हालांकि एनिमेशंस की वजह से मुझे लगता है कि मोटो थोड़ा सा स्लो है। बाकी देख लेते हैं कि स्क्रीन ऑन करके मतलब लॉक स्क्रीन से कौन सा फ़ोन फास्ट है। तो यहाँ पे मैं दोनों फ़ोन लॉक स्क्रीन पे लेके आता हूँ। 1 2 गो। यस गाइज अब भी पूरे सेम है, दोनों भी फ़ोन अब भी सेम वर्क कर रहे हैं। लॉक स्क्रीन से दोनों भी फ़ोन का जो स्पीड है वो सेम ही है, बस स्क्रीन ऑफ करने के बाद थोड़ा सा स्पीड कम मोटो का देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे गाइज, काफ़ी कमाल का टेस्ट होने वाला है। सेम वाईफाई से कनेक्ट है, और सिस्टम के एप्लीकेशन पहले सबसे पहले ओपन करेंगे फटाफट। 1 2 गो। तो यहाँ पे यार पोको का फ़ोन एपीके सबसे पहले ओपन हुआ, उसके बाद मैसेज एपीके। यस मैसेज भी पोको का ही ओपन हो गया। उसके बाद सेटिंग एप्लीकेशन ये भी पोको का ही सबसे पहले ओपन हो गया, और फाइल मैनेजर यहाँ पे मोटो का ओपन हो गया। उसके साथ कैमरा ऐप भी पोको का ही यहाँ पे सबसे पहले ओपन हो गया, और उसके साथ यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं ये कौन से स्पीड मतलब किस फ़ोन में ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है। तो इंस्टाग्राम यस मोटो का यहाँ पे ओपन हो गया सबसे पहले। उसके बाद ट्विटर सेम ही स्पीड का था। उसके साथ फेसबुक भी सेम स्पीड से ही ओपन किया है। उसके साथ फ्लिपकार्ट यार मोटो में सबसे पहले ओपन हुआ, और उसके साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं अमेज़न की, तो अमेज़न सबसे पहले पोको में ही ओपन हुआ। सो पोको लीड कर रहा है, 5 एप्लीकेशन इसने फास्ट ओपन किए हैं। उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं पबजी कौन सा फ़ोन फास्ट ओपन कर देता है, देख लेते हैं। 1 2 गो। और यहाँ पे ओपनिंग तो सबसे पहले पोको में हुआ है, देख लेते हैं कि पबजी के अंदर कौन सा फ़ोन सबसे पहले होता है। यस पोको फास्ट है गाइस थोड़ा सा, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा फ़ोन ओपन कर लेता है। ओके अभी तो सेम है, और पोको मोटो। तो यहाँ पे यार मोटरोला सबसे पहले ओपन किया, तो यहाँ पे देख लिया आपने स्पीड में, तो यहाँ पे 5 times पोको फास्टर था, तो 4 times मोटो फास्टर था। तो सबसे मेन टेस्ट अभी होने वाला है, और इस मेन टेस्ट में हम स्टॉप वॉच ऑन करके सिस्टम के प्लस इंटरनेट बेस्ड प्लस पबजी ये सारे एप्लीकेशन फटाफट ओपन करेंगे स्टॉप वॉच ऑन करके, और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन इन एप्लीकेशन को ओपन करके फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन भी ओपन हो रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि स्टॉक एंड्रॉयड मतलब मोटो फ्यूजन वन प्लस यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। देख लेते हैं कि स्टॉप वॉच में क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन पोको एक्स टू में थोड़े से लो ओपन होते हैं, तो यार यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि यार दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई से यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन पोको एक्स टू में थोड़े से लो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पे देख लेते हैं पबजी तो यहाँ पे मोटो ही आगे था, तो मोटो ही फिनिश करेगा इस राउंड को।
तो गाइस देख लेते हैं कि कितना टाइम लगा इन दोनों फ़ोन को सेम एप्लीकेशन ओपन करने में। ओके ओके, सो गाइस यही मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि राउंड फिनिश हो चुका है और मोटो ने फिनिश किया है 1 मिनट 2 सेकंड में मोटो ने फिनिश किया। और अभी पोको एक्स टू कितना में फिनिश करेगा ये देखने वाली बात रहेगी। ओके, इसका भी फिनिश हो चुका है ये राउंड और देख सकते हैं कि लगभग 1 मिनट 14 सेकंड लगे हैं। मतलब मोटो वन फ्यूजन प्लस 12 सेकंड से आगे है पोको एक्स टू से, तो मोटो ये राउंड जीत जाता है। चेक कर लेते हैं गिग बेंच स्कोर और देख लेते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्कोर दे पाता है। तो यहाँ पे गिग बेंच मैंने रन किया है तो 552 सिंगल स्कोर है मोटो का और 424 सिंगल स्कोर है पोको का। तो मोटो यार क्लियरली सिंगल कोर और मल्टी स्कोर में यहाँ पे विन हो जाता है, क्योंकि गाइज स्टॉक एंड्रॉयड की अलग लेवल का ही पावर होता है गाइज। यहाँ पे आपने क्लियरली देख लिया होगा स्टॉक एंड्रॉयड मतलब एक क्लीन इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पता चला होगा कि पोको कैसे लैग कर रहा था इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करने में, क्योंकि मी यूआई उनके सिस्टम के एप्लीकेशन के लिए भी इंटरनेट खींचता रहता है बैकग्राउंड में। सो यार इसलिए तो स्टॉक एंड्रॉयड बहुत लोग पसंद करते हैं, पूरा क्लीन इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से इस स्पीड टेस्ट में दोनों फ़ोन ने सेम ही परफॉर्म किया है, पर थोड़ा सा आगे मुझे मोटोरोला यहाँ पे लग रहा था। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करना, और इन दोनों फ़ोन में कौन कौन से कंपैरिजन वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड वाला जो बेल आइकन होता है उस पे जाके ऑल पे प्रेस कर देना। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।